माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं जो हैं उन्हें रद्द कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में एक मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, क्या जेके बोस के 12th क्लास के जो एग्ज़ाम हैं क्या वो कैंसिल होंगे या नहीं। फिलहाल यही मुद्दा जो इस वक्त गरमाया, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ तेजिंदर सिंह है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तेजिंदर जी, मुद्दा गरमाया हुआ है, क्या जम्मू कश्मीर में 12वीं की परीक्षाएं जो हैं वो रद्द होंगी? विमल जी, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सीबीएसई अपने 12th क्लास के एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर सकती है तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर क्यों नहीं इसको कैंसिल कर सकता? क्या हमारे जम्मू कश्मीर के छात्र जो हैं क्या वो इस लायक नहीं हैं? माना उन्होंने मेहनत की है, ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, पिछले दो एक साल से वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस समय हालात ये हैं कि सेकेंड वेव इस समय अपनी सीमा पर है। अभी थोड़ा सा मान नहीं, रिस्पेक्टेड एलजी साहब ने थोड़ी मेहनत मशक्कत की, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त और दुरुस्त किया, जिससे थोड़ा कोविड के केसेस डाउन हुए। लेकिन अभी जो हालात ये हैं, कोविड केसेस डाउन हो चुके हैं, लेकिन जो बच्चों की तैयारियां हैं वो ऑनलाइन ही हुई हैं। तो बेटर तो मुझे यही लगता है कि इस समय बोस को इसके ऊपर कोई फैसला लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, कि ताकि जो बच्चों का है भविष्य आगे अच्छा रहे। और इसको क्लासेस को ऑनलाइन तो ली ही उन्होंने और इसका रिजल्ट्स को भी कैंसिल करके, तो इसको आपका एग्ज़ाम्स को कैंसिल करके और उनको पास कर देना चाहिए। तो सर, जिस तरह से बच्चों ने ऑनलाइन परीक्षाएं जो है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की है, तो क्या लगता है कि आपको कि कहीं ना कहीं ऐसा भी होना चाहिए कि ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएँ? ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेंगे, लेकिन फिर उसमें अगर सीबीएसई के पैटर्न पर चले ना, ऑनलाइन क्लासेस अगर लगती हैं लेकिन ये चलो ठीक है, वो उनका दुरुस्त है सोचना, लेकिन जो मेरे लिहाज से इस एग्ज़ाम्स को कैंसिल करना चाहिए और सीबीएसई के पैटर्न से ही बच्चों को, बोस के बच्चों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं जेएनके में, उनको 12th में पास कर देना चाहिए। तो जिस तरह से कोविड का प्रकोप था एक समय में 2020 की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट वेव में हम जूझे, उसके बाद सेकेंड वेव का हमने सामना किया, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जी इस समय जो हालात चल रहे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि इस समय वेव चरम सीमा पे है। और जैसे आप एक्सपर्ट्स की बात सुने तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो थर्ड वेव आने वाली है उसका असर बच्चों पे बहुत होने वाला है जी। तो जैसे कि अगर ये बच्चों पर वेव हावी हुई तो वो भी 12th क्लास के बच्चे ही हैं, तो वो ऑनलाइन क्लासेस में छोटे क्लासेस के बच्चे हों चाहे वो बड़ी क्लासेस के हों, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना, उनकी क्लासेस इस समय फिजिकली क्लासेस अटेंड करनी, इस समय मुझे नहीं लगता कि वो एक सही उनका वो रहेगा, क्या नाम है, रवैया रहेगा। लेकिन किसी जो रद्द जो हालात चल रहे हैं उनके लिए तो मुझे लगता है कि इस समय ऑनलाइन बेस्ट है। तो अभी अगर हम बात करें, कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना अभी भी है, और वैज्ञानिकों ने थर्ड वेव की चेतावनी दे दी है, थर्ड वेव की चेतावनी जो है बच्चों में जो है हावी होगी, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे तमाम पेरेंट्स को? मेरी तरफ से तो यही एक मैं सुजेशन दे सकता हूँ, बच्चों के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इस समय जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जो आने वाली थर्ड वेव है इस पर बच्चों पर बहुत असर होने वाला है। तो मेरे लिहाज से बच्चों को भी इस समय हमें सेफ रखना चाहिए और घरों पर रखना चाहिए, और हमें इस समय ऑनलाइन क्लासेस को ही प्रेफर करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। तो सीबीएसई की बात करें तो 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किया गया, और जम्मू से डिमांड आ रही है कि जेके बोस के जितने भी जो 12th क्लास की परीक्षाएं उन्हें भी जो है रद्द की जाए। अब एक इंतज़ार है कि क्या जम्मू कश्मीर में जेके बोस के जितने भी 12th क्लास के जो बच्चे हैं क्या उनके एग्ज़ाम को रद्द किया जाएगा या नहीं, ये फ़िलहाल एक इंतज़ार ही रहेगा। और जब कोई भी ऑर्डर आएगा, कोई ऐसा फैसला आएगा, जम्मू परिवर्तन आप तक सबसे पहले पहुँचाएगा। आपको क्या लगता है खबर देखकर, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखेगा। तो हम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा, आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ, जय हिंद।